आज हम बना रहे हैं ईद के लिए स्वीट डिश शीर खुरमा। जैसा कि आप जानते हैं ये तकरीबन हर घर में बनती है, बहुत आसान होती है रेसिपी इसकी और बहुत से लोग इसको डिफरेंट तरीकों से बनाते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं इसको अपने घर में कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, और ये हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये थिक होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ेगा, जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिस्ता लिया है मैंने, इसको बारीक काट लिया है। बादाम है इसको भी हम बारीक काट लेंगे। ये खजूरें ली हैं इनको भी हमने बारीक काट लिया है। और ये मैंने एक टेबलस्पून लिया है साबूदाना, इसको मैंने जस्ट 5 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा है ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। और ये किशमिश है मेरे पास, और ये छुहारे और बादाम और पिस्ता, इसको मैंने भिगो के इनकी स्किन रिमूव करके रखा हुआ है। और कुछ सोइयां हैं, और ये है चीनी, 4 टेबलस्पून चीनी मैं डालूंगी इसमें, और ये 3 अदद इलायची के पीस हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं जी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम दूध में पैन में दूध डाल देंगे, और जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर ये जो हमने नट्स रखे हुए थे, बादाम छुहारे सोख करके रखे थे मैंने, ये स्किन उतार लें इनकी, और ये किशमिश ये डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने ये जो साबुदाना मैंने भिगो के रखा था ये डाल देंगे। ये ऑलरेडी नरम हो चुका है तो ये जल्दी इसमें गल जाएगा। बस हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे थोड़ी देर ताकि ये नीचे ना लगे, और इसके साथ ही ये चीनी और ये जो इलायची है ये भी डाल देंगे। ये डाल के हम इसको 5 से 6 मिनट में इसको पकाऊंगी। साबुदाना अच्छी तरह से गल जाएगा और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, तो फिर हम इसमें सेवइयां डाल देंगे जी। तो फ्रेंड्स ये देखें इसको पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है और ये गाढ़ा भी हो रहा है। अब हम इसके अंदर सेवइयां डाल देंगे। आप चाहें तो आप सादा दूध में खोया डालकर भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं। सेवइयां हम इसके अंदर इतनी डालेंगे जितना कि हम पसंद करते हैं, या जितना ज़्यादा थीक आपको पसंद है। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो आप कम डाल दें, और अगर थिक ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकने दूंगी ताकि ये इसका अच्छा सा ये थिक हो जाए, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे जी। तो फ्रेंड्स ये देखें इसको 5 मिनट तक हमने पका लिया है। ये देखें ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है जी। तो फ्रेंड्स हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको ईद में बनाइएगा, ये बहुत आसान और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है, और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको रिटर्न रेसिपीज़ चाहिए तो मेरी वेबसाइट को फॉलो करें प्लीज़, foodplus.com। और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।